बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल। आई एम संदीप, फिर से आपका स्वागत है सनासन ब्लॉग में। तो हम लोग वो मंदिर से अभी आ गए हैं सुबर्णरेखा बीच के पास। इधर ये रिवर मीट कर रहा है समुंदर के साथ, तो ये जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो हम लोग हैं अभी सुबर्णरेखा नदी के पास, जहाँ पे समुंदर एक साथ मिल रहा है। तो हम लोग देखने आ गए हैं। सनबर्न तो हो रहे हैं हम लोग, फिर भी जाने की कोशिश। और इधर क्या हो रहा है देखो, ये लोग जो कर रहे हैं, ये मछली का जो जाल है वो नेट तैयार कर रहे हैं। वाह, द प्लेस इज ऑसम। आप अगर शाम को आते हो, अगर बैठते हो, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि ये देखने लायक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, धूप ज़्यादा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इधर हवा बहुत ही तेज़ है। और ये जो है ये नदी है सुबर्णरेखा, लेकिन ये कनेक्ट कर रहा है समुंदर के साथ जो मेरा पीछे है। तो ये है समुंदर जो दीघा से हम लोग देख रहे थे कल। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो लोग घर बैठे ये देखना चाहते हो, फील करना चाहते हो हमारे साथ, तो प्लीज़ बने रहो। इतना स्कॉर्चिंग हीट में भी हम लोग ये कर रहे हैं, और आप देख सकते हो मेरा यस, उतरेंगे नहीं बाबा, हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो ये मेरा जो पार्टनर है, आप देख सकते हो, ये सीरियसली हेल्प कर रही है मेरा। हम लोग एक साथ ही जाते हैं। और ये पीछे देखो मेरा बेटा, वो लोग अभी नीचे ऊपर में जाएंगे, वो तो बाद में देखेंगे। पास में आ जाओ, जगह है ना, नीचे जाओगे क्या? पत्थर से पहले पत्थर में जाते हैं। हाँ, जरूर। तो हम लोग पहले ये ऊपर में जाएंगे, उसके बाद एक बार ये समुंदर के नीचे भी जाएंगे बीच में, तो चलते हैं। लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया है, और सिर्फ धूप का थोड़ा प्रॉब्लम। तो हम लोग छतरी ले आए हो क्या? छतरी नहीं लगा, दोनों छतरी। डू नीड दैट? मेरे पास एक ये है ना, क्या है ना, वो निकल दिया। के बीचों बीच पत्थर से बना हुआ बांध जो भी है, रास्ता है, आप इधर बैठ सकते हो और लुफ्त उठा सकते हो ये समुंदर का नजारा, जिसके साथ कनेक्ट किया है सुबर्णरेखा नदी। मैं बार बार बता रहा हूँ। सो ये आवाज भी सुन रहे हो शायद, मेरा आवाज अब तक नहीं पहुंचे, सो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। दिखाऊंगा जरूर आपको ये और क्या हो रहा है ना, आप देख सकते हो ये आवाज, ये समुंदर का आवाज आपको शायद ही शांत कर दे, काम एंड क्वाइट बना दे। तो दो दिन पहले मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन इधर आने के बाद मेरा माइंड थोड़ा माइंड पूरा शांत हो गया। हाँ, हम लोगों का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन हम लोग अभी ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही पसंद करते घूमना और घूम रहे हैं, इसलिए हर जगह बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा हीट है इसलिए देखो मेरा ये ड्रेस अप, और ये देखो ये छतरी यूज़ कर रही है, ये छतरी यूज़ कर रही है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बर्न अप हो रहा है, लेकिन अच्छा तो है बहुत जगह, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों का नया डिस्कवर है, ये मैंने ढूंढ निकाला है, ये संचिता ने ढूंढ निकाला है, ये बहुत ही नेट सर्च करके ये बहुत बढ़िया जगह ढूंढती है। तो हम लोग अभी जाएंगे कहाँ पे, हम लोग नीचे उतरेंगे ये बीच में, वो ट्रॉली में देखो वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, आप बैठ भी सकते हो अभी।
अभी नीचे उतर रहे है, एक मिनट, ये ऊपर से हम लोग नीचे अभी आ रहा है। और ये देखो संचिता जो उतर निकल रही है, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे, चलो। लेकिन पानी आ रहा है, हाँ बाबा, तो हम लोग अभी बीच में आ गए हैं। हम लोग आ गए बीच के नीचे, ये ऊपरी हिस्सा है जहां पे हम लोग थे। अभी हम दिखा रहे हैं आपका ये समुंदर, और ये जो साउंड है, और हम लोग जा रहे इसको सैंड के ऊपर से, तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है क्योंकि सैंड थोड़ा नरम है, और इधर सभी काम कर रहा है ट्रॉली लेके, मतलब वो लोग मछली पकड़ने में व्यस्त है। और देखो मेरा लड़का भी उतर गया, इसका नीचे आ सकते हो, ये स्टेयर से आप आ सकते हो, स्टेयर से भी। अरे इधर तो पानी है, इधर तो अभी चल रहा है फोटो सेशन, आप देख सकते हो ये लोग फोटो खींचने में बहुत ही व्यस्त है। तो ये पूरा बीच में आप वॉक कर सकते हो, आप थोड़ा एंजॉय कर सकते, पूरा बीच अभी खाली है। और ये देखो पानी आ रही है, अनुभव ट्राई कर रहा है कि उसके पास पानी आ जाए और उसको थोड़ा छू ले, और उसके बाद वो जाएगा भाग, भागो। आ गया पानी, तो हाँ इस जगह पे आओ, एक्सप्लोर करो और एंजॉय करो, और थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद अस। हम लोग ऐसे ही कुछ नया करते रहेंगे, अच्छा लगते रहेगा आपको, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लेट अस एंजॉय। हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल। आई एम संदीप, आई एम संचिता, फिर से आपका स्वागत है साना सान ब्लॉग में। हैप्पी भारती द्वितीया, हैप्पी भारती द्वितीया, यस। थोड़ा सा